हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे पास में वीवो का फ़ोन है, वीवो Y20। इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसका हमारा कॉलिंग सेंसर जो होता है जब हम कॉल मिलाते हैं, तो ये देखिए जैसे मैंने कॉल मिलाई तो इसकी लाइट काम नहीं कर रही है। देखिए डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है कॉल मिलाते ही, या तो इसकी डिस्प्ले की लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है या लाइट ऑटोमेटिक ऑन रहती है, बंद नहीं होती है। तो ये देखिए कॉल चल रही है पर लाइट काम नहीं कर रही है, ना ही तो बंद हो रही है। अगर ऑन हो जाती है तो बंद नहीं होती है, बंद हो जाती है तो ऑन पावर बटन से होती है। ऑटोमेटिक सेंसर इसका जो है कॉलिंग सेंसर, वो इसका काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम फ़ोन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसका जो बोर्ड है हमारा, वो हम बोर्ड इसका बाहर निकालेंगे, क्योंकि बोर्ड बाहर निकालने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो इसके अंदर प्रॉब्लम मुझे पहले से पता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कस्टमर ने बताया है कि उसने इसका फोल्डर चेंज कराया था, और फोल्डर चेंज कराने के साथ साथ में तो ये देखिए, ये मैंने इसका बोर्ड बाहर निकाला, और ये बोर्ड बाहर निकालने के बाद में आप देख सकते हैं ये इसका सेंसर होता है, और इस सेंसर के ऊपर एक रबड़ लगी हुई होती है जो इसको कवर करती है, और उस रबड़ की वजह से ये सेंसर हमारा सही काम करता है। अगर इस पे से रबड़ निकाल देते हैं हम तो ये सेंसर हमारा काम करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है तो आप क्या करेंगे, ये आपको इस वीडियो के अंदर एंड पता लगेगा, और तब तक हमारी वीडियो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, तभी इसकी कंडीशन जो है, जो इसमें कंडीशन है वो सही होगी, तभी आपको पता लगेगा कि हमें क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ इसके अंदर, कि कभी भी आप ये फोल्डर चेंज करें इसका, तो फोल्डर चेंज करें तो इसके ऊपर जो रबड़ लगी हुई थी इसका बहुत ही ख़ास तौर से ध्यान रखें, इसका इसकी रबड़ जो ये निकलनी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब रबड़ तो हमारे पास इसकी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने एक छोटी सी इस तरीके की एक रबड़ ली है, और इसको मैंने बीच में से काट दिया है, और इसको बीच में से काटने के बाद में मैंने इसको इस तरीके से इसमें लगा दिया। ये थोड़ा ज़ूम करके देख लीजिए, और अब आप थोड़ा सा बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा रबड़ का ही काट कर, और मैं एक टुकड़ा यहाँ पर लगाऊंगा, ताकि इसमें दोनों सेम, दो लाइटें हैं, दो डॉट हैं इसमें, ये अलग अलग रहें दोनों। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा, कोई भी आपके पास में रबड़ का टुकड़ा हो उस पे से आप ये निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक आप हमारी वीडियो देख ली है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा रबड़ का टुकड़ा एक मैंने काटा है, और मैं हल्की सी इसे एमपी लगाकर इसको इसमें चिपकाऊंगा। देखिए, ये मैंने इसको बीच में
आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने जूम कर दिया। तो जैसे कि ये आपने देख लिया है मैंने किस तरीके से इस पर रबड़ लगाकर और इसको इसकी रबड़ बना दी है, और अब हम इसको इस पर लगाएंगे बोर्ड को, और बोर्ड को लगाकर फिर अब हम चेक करेंगे कि ये काम करता है या नहीं। ये मैंने इसको बोर्ड लगा दिया है, और अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा इसको ऑन होने दीजिए, फिर हम देखते हैं, फिर चेक करेंगे इसको। इसके अंदर अब हम ये सिम लगा लेते हैं। ये मैंने सिम लगा दी, और ये मैं नेटवर्क वायर भी लगा देता हूँ। और अब मैं इसको लगाकर कॉलिंग मिलाकर इसमें चेक करता हूँ। तो ये मैंने इसका लॉक खोला, और अब मैं इस पर कॉल मिलाऊंगा। ये मैंने इस पर कॉल मिलाई, और अब ये देखिए इसका सेंसर बिल्कुल प्रॉपर काम करने लगा है। यहाँ से ये देखिए, तो इस तरीके से आपके अगर रबड़ खो जाए सेंसर की, तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप बार बार देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक बार में हो रहा हो, हर बार होगा, क्योंकि जब चीज़ सही हो जाती है तो हर बार होती है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।